जय हिंद चिल्ड्रन, मैं सेल्फ अजय कुमार फ्रॉम द होली सिटी ऑफ काशी डेट इज़ वाराणसी उत्तर प्रदेश। आई वेलकम यू टू माय चैनल नव शिक्षण। बच्चों, ये जीके के क्वेश्चंस हैं जो कि प्रधानमंत्री यशस्वी योजना जो आपकी 29 सितंबर को होने जा रही है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तो डेट्स बढ़ गई हैं, आपकी 17 अगस्त अब लास्ट डेट हो गई है क्योंकि सर्वर में कुछ इशूज़ आ रहे थे। और ये जो जीके के क्वेश्चंस हैं बच्चों, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं, आपने सिलेबस देखा होगा, तो 25 क्वेश्चंस आपके सामान्य ज्ञान के आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके स्कोरिंग के लिए। ठीक है, तो इसको मैं सोचा कि ऑलरेडी मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों को दिखाया हुआ है, कई काफ़ी जीके के क्वेश्चंस बताए हुए हैं, तो जो भी नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक है, प्लेलिस्ट में PM SSV की दो प्लेलिस्ट बनी हुई है, PM SSV है, ठीक है, एक है PM SSV 2023, तो ये 23 में लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, ये पुराने हैं। तो बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा कि NTA दोनों एग्ज़ाम्स को कराता है, एक तो PM SSV को कराता है, एक श्रेष्ठा को कराता है। ठीक है, और दोनों के पैटर्न, दोनों के सिलेबस, दोनों के क्लास सब कुछ सेम है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर श्रेष्ठा के मैंने 2 ईयर के पेपर सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन बताए हुए हैं उसको आप ज़रूर देख लीजिए, और PM SSV का लास्ट ईयर का मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है इसमें, ये बेशक बच्चों इंग्लिश में है, मैं हिंदी में भी लेकिन बताते चलूँगा। विच वॉज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, बंगाल गैजेट। बच्चों मैं चाहता तो इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने 4 ऑप्शन देता, फिर ठीक है 4 ऑप्शन देने के बाद फिर मैं बोलता है कि सिर्फ इसमें से कौन है, तो उसमें और टाइम वेस्टेज आपका होता। तो ये क्योंकि वन लाइनर था तो इससे आपको क्या होगी, एकदम एग्जैक्ट चीज़ें जाएंगी, आप इसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, उससे टाइम भी बचेगा और मैं ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपको करा पाऊँगा। और थर्ड क्वेश्चन है, एट विच प्लेस वॉज द फर्स्ट जनरल पोस्ट ऑफिस इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश, जो पोस्ट ऑफिस है ठीक है उसको कहाँ स्थापित किया गया इंडिया में? तो कोलकाता जनरल पोस्ट ऑफिस 1779। सोचिए इतना पुराना हमारा डाकखाना है। इन विच ईयर द फर्स्ट टेलीफोन लाइन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, पहली टेलीफोन लाइन कहाँ से कहाँ, अब तो मोबाइल आ गया, पहले तार के द्वारा जोड़ा जाता था, तो ये था 1881 में। विच वॉज द फर्स्ट एयरलाइन सर्विसेज ऑफ इंडिया, तो इम्पेरियल एयरवेज 1929 में स्टार्ट हुई थी। और ये बच्चों देखिए जीके के क्वेश्चंस हैं वो क्लास 11th के जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए, और क्लास 9th, इन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट। आप क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों का लगभग सेम है, अंतर नहीं है जीके के मामले में। ठीक है, तो जो भी क्लास के बच्चे हैं इसको देखते चले जाएं। और ये जो मैं बुक से दिखा रहा हूँ बच्चों, ये है राघव प्रकाशन की बुक है। ठीक है, तो इसके जरिए दिखा रहा हूँ, अभी 11th का अगर आना होगा बच्चों तो 1 सप्ताह में आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जब आएगा तो मैं यही वीडियो के जरिए आपको बता दूंगा। और जो अन्य किताबें हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्लास 9th के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन बच्चों, फ्रॉम विच प्लेस वॉज द फर्स्ट एयर पोस्ट सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया, तो प्रयागराज टू नैनी। तो प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था, तो ये उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था 1911 में। फ्रॉम विच प्लेस वॉज द फर्स्ट मेट्रो लाइन स्टार्टेड इन इंडिया, तो कोलकाता में 1984 में स्टार्ट हुई, अब सब जगह मेट्रो बन रही है इस समय। विच इज़ द फर्स्ट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इंडिया, तो ये थी बच्चों अग्नि 1। ठीक है, अग्नि 1 हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके बाद है विच इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस बैटल क्राफ्ट, तो तेजस। ठीक है, तो तेजस हमारा एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे गलती से प्रिंट हुआ, एयरक्राफ्ट है बच्चों। ठीक है, तो वो है तेजस। विच इज़ द व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस बैटल टैंक, तो ये हमारा विजयंता टैंक जो पहला बनाया गया वो है विजयंता। इंडिजीनियस मतलब वो पूर्ण रूप से भारतीय है, कहीं से भी उसको आयात किया नहीं गया, भारतीय मतलब पूरा सामान सब कुछ भारत में बनाया गया। वैसे ही एरोप्लेन तो बहुत हुए, फाइटर प्लेन बहुत हमने लिए हैं इधर उधर से, रफाल लिया है फ्रांस से, ये भी याद कर लीजिएगा कि रफाल अभी मोदी जी गए थे हमारे फ्रांस, तो वहाँ से रफाल एरोप्लेन की भी बात हुई है। तो ये सब चीज़ें भी याद करते चलिएगा कि कौन से एयरक्राफ्ट हम फ्रांस से ले रहे हैं, तो राफेल को ले रहे हैं, और तेजस हमारा खुद का देश का बनाया हुआ है, विजयंता भी हमारे देश का खुद का बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन, ठीक है, इंडिया के पहले एटॉमिक सबमरीन जो कि आपके
इस पे न्यूक्लियर फिजन पे डिपेंडेंट रहता है, तो वो है हमारा INS अरिहंत। इसके बाद है एट विच प्लेस इंडिया इज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टेड इनोग्रेटेड, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है सबसे पहला कौन सा था, वो है मुंबई अप्सरा 1956 में किया गया था। तो अप्सरा नाम इम्पॉर्टेंट है, किस जगह हुआ, तो मुंबई हुआ, तो दोनों चीज़ें अपने याद कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन बच्चों, विच इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो पहला जो राष्ट्रीय पार्क है वो भारत का कौन सा है माना जाता है, तो ये हैली नेशनल पार्क, ठीक है। तो पहले तो इसका ये नाम था, 1936 में अंग्रेज थे उन्होंने हैली दे दिया, फिर इसका नाम अब बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया है। तो बच्चों एक चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक तो किस राज्य में है, इन विच स्टेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, ठीक है, और दूसरा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, मतलब किस जानवर के लिए फेमस है। है तो नेशनल पार्क भाई, कुछ ना कुछ होंगे ही वहाँ पे, तो कौन से जो हमारे फॉरेस्ट एनिमल हैं उनके लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फेमस है, ये ज़रा सा बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, और स्टेट का भी कभी स्टेट में क्या होगा, ऑप्शंस दे देंगे ऐसे करके, चार पार्क दे देंगे आपको, काजीरंगा तो जिम कॉर्बेट, इस तरह से चार पार्क दे देंगे, यहाँ स्टेट्स के नाम रहेंगे, तो हमको मैच द फॉलोइंग करना होता है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, मैंने दिखाए हुए हैं मॉडल पेपर में, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप अपने से भी नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर है इट विच प्लेस वॉज द इंडियाज फर्स्ट वोमेन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड, पहली जो वोमेन है महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी कहाँ इस्टेब्लिश हुई है, तो महाराष्ट्र में, इसका नाम है SNTD यूनिवर्सिटी, 1916 में स्थापित हुई थी। अब तो ढेर सारी हो गई हैं। विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, पहली यूनिवर्सिटी भारत की कौन सी है, तो बच्चों ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा ज़्यादा पढ़े लिखे लोग निकले, जिन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे, अलग अलग चीज़ों का इन्वेंशन किया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी, देखिए कॉन्सेप्ट उस समय हमारे इंडिया में इतने सालों पहले आ गया था कि एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके पढ़ाया जा सकता है, उनको नॉलेज दी जा सकती है, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ सिचुएटेड था ये ज़रा से ये बताइएगा मुझे, ठीक है, किस स्टेट में। विच स्टेट अपॉइंटेड द फर्स्ट लोकायुक्त, तो ये बच्चों महाराष्ट्र में हुए थे 1971 में। लोकायुक्त का कार्य क्या होता है, ठीक है, इनके व्हाट इज़ द वर्क ऑफ लोकायुक्त, अगर आपको ये पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रा इसका आंसर दीजिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है द वर्क ऑफ लोकायुक्त। फिर है वेयर इज़ द इंडियाज फर्स्ट ई कोर्ट, इंडिया का पहला ई कोर्ट कहाँ बनाया गया, तो हैदराबाद में बनाया गया। इस समय हैदराबाद किसकी कैपिटल है ज़रा सा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। फिर है वेयर वॉज द फर्स्ट ओमेंस कोर्ट इस्टेब्लिश इन इंडिया, तो मालदा वेस्ट बंगाल में। इसके बाद बाई विच नेम वॉज इंडियाज फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश, पहला बैंक किस नाम से इस्टेब्लिश हुआ था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब हुआ था, 1970 में, सोचिए इतना पुराना हुआ था बच्चों, ठीक है। फिर है क्वेश्चन इसके बाद, विच स्टेट फर्स्ट इंस्टीट्यूशनलाइज द पंचायती राज सिस्टम, तो राजस्थान में हुआ था 1959 में हुआ था, ठीक है, और नागौर में हुआ था, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज सिस्टम, अगर पंचायत जो है, ग्राम प्रधानी, ये सब इलेक्शंस होते हैं, वो कहाँ पे स्थापित किया गया, तो सबसे पहले राजस्थान से शुरुआत हुई, इस समय तो पूरे देश में हमारे सिस्टम है, ठीक है। और एक कमेंट, अगर आपको आंसर पता हो तो आप बताइएगा, किस कमेटी के कहने पर, एक कमेटी बनी थी 10 लोगों की, 5 लोगों की, ऐसे मान लीजिए उसको कमेटी कहते हैं, जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि इंडिया में पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, मतलब गांव के लेवल पे गांव के लोगों को ग्राम प्रधान के जरिए पावर दिया जाना चाहिए। किस कमेटी के कहने पर ये इस्टेब्लिश हुआ पंचायती राज सिस्टम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आप जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। विच वॉज द फर्स्ट साइलेंट फिल्म ऑफ इंडिया, पहली साइलेंट फिल्म कौन सी है, राजा हरिश्चंद्र। विच वॉज द फर्स्ट वर्बल फिल्म ऑफ इंडिया, तो पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आलम आरा। विच वॉज द फर्स्ट कलर फिल्म ऑफ इंडिया, पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो किशन कन्या कन्हैया। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म नॉमिनेट्स इन ऑस्कर, तो मदर इंडिया को सबसे पहले नॉमिनेट किया गया था। और इंडियाज़ फर्स्ट 3D फिल्म था माय डियर कुट्टी चट्टनम, ये मलयालम फिल्म थी। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस और देखने हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर और क्वेश्चंस बता दीजिए, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो ये थे देखिए फर्स्ट इंडिया, ठीक है,
तो काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास में हैं, तो धीरे धीरे एक कॉपी जरूर तैयार कर लीजिएगा जिसमें एक जगह आपका मैटर तैयार होता चला जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक यू।